अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज नदीम सरवर। जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान की मोदी गवर्नमेंट मुसलमानों के खिलाफ लगातार कानून पारित कर रही है, जबरदस्ती कानून थोप रही है जो हमारे खिलाफ है। उसी में से एक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है उसको हड़पना चाहती है, उसके खिलाफ कानून लाई है, जो विपक्ष के विरोध करने के बाद वो जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास पहुंच गई है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस वक्फ बिल के लिए मुस्लिम लोगों से उनकी जो राय है वो राय मांगी है। तो अब हमारी ज़रूरत है कि इसका विरोध करें, इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है सब सरकार हड़पना चाहती है कानून लाकर। जो वक्फ की ज़मीन है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन है, हमने दान कर दिया अल्लाह तआला के नाम पर, वक्फ कर दिया, उसको हड़पना चाहती है। तो अभी एक मुहिम चल रही है, जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, मुसलमानों की बहुत बड़ी तंजीम, वो एक मुहिम चलाई है कि कैसे हम अपनी बातों को जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचाएं। तो उसके लिए ये क्यूआर कोड है, इधर थोड़ा दिखाइए, ये क्यूआर कोड जो है इसको कैसे स्कैन करना है मैं पूरा आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले जितने भी लोगों के पास जैसे गूगल है और एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आप जब गूगल पे जाएंगे यहाँ पे तो ये कैमरा का निशान है, यहाँ आप जैसे दबाएंगे तो दबाने के बाद ये कैमरा आ रहा है। उसके बाद ये फिर जब कैमरा पे आप दबाएंगे तो कैमरा शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये स्कैन करेगा, जो स्कैन आया है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से, तो इसको स्कैन करना है, आएगा अभी। हाँ, स्कैन जैसे किए हैं यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे जब क्लिक किए तो जो वेबसाइट है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वो खुल के आ गया। देखिए यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसमें लिखा हुआ है वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से कि हमको इस बिल की खिलाफत करनी है। अब इसमें जो है यहाँ आपको मांग रहा है ओपन जीमेल, जीमेल खोलें, तो इस पर जब जीमेल पर आप दबाइएगा तो ये खुल के आ जाएगा आपका जीमेल जो मोबाइल में दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है, बिल के बारे में पहले से वक्फ ने लिख कर रखा है। विरोध यही है कि अपने जीमेल पे जब आएंगे यहाँ से आप दबाएंगे सेंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर कीजिए कैमरा। तो तमाम मुस्लिम भाइयों से, बहनों से और तमाम युवाओं से, हिंदुस्तान के तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है जो सरकार हमारे खिलाफ लाने जा रही है, अगर इस बिल की मुखालिफत हमने की, खिलाफत नहीं की, अगर ये बिल खुदा ना खास्ता पास हो गया तो बहुत बुरा वक्त आएगा। मस्जिदों की ज़मीन, कब्रिस्तानों की ज़मीन, ईदगाहों की ज़मीन और खानकाहों की ज़मीनें, मज़ारों की ज़मीनें, जितनी है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की प्रॉपर्टी, सरकार इसको हड़पेगी और ये सब